बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट टू है जिसमें हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और इस टॉपिक का नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब आपके दिमाग में ये चलना शुरू हो गया होगा कि हम बॉक्स भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ वन डायमेंशनल भी बोल रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बॉक्स जो होता है वह 3D होता है, यानी कि तीन डायमेंशनल का होता है, लेकिन यहां पर हम वन डायमेंशनल पर बात करने वाले हैं। तो यह बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, तो एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरे प्ले लिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं। देखो, हम सपोज कर लेते हैं हमें चाहिए वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वह कुछ इस प्रकार से, एक हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो x इज इक्वल टू a से, ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, x इज इक्वल टू a से, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a के बीच में मोशन करता है, ठीक है, यानी कि वह गति कर रहा है। और वह कैसा मोशन कर रहा है, वह लीनियर मोशन कर रहा है, यानी कि एक रेखा पर, एक रेखीय पथ पर वह क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारे पास पार्टिकल है वह वन डायमेंशनल में मोशन कर रहा है, यानी कि या तो यह एक्स एक्सिस पर है, या तो वाई एक्सिस पर जा रहा है, या तो जेड एक्सिस पर जा रहा है, ठीक है। तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पर वह जा सकता है, वह फ्री है अपने तरीके से, लेकिन वह केवल और केवल एक ही डायमेंशन पर मोशन कर रहा है, वह दो डायमेंशन पर मोशन नहीं कर रहा है। यह बात आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो, हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक वॉल सपोज कर लेते हैं, कि इसके बाहर हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल होगा वो इस वॉल के बाहर नहीं जा सकता है। क्या मैंने कहा कि हमारा जो यह पार्टिकल था वह x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक गया, ठीक है, लेकिन ये जो हमने वॉल लगा दिया x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू a पर, इसके बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, या फिर कोई भी पार्टिकल है तो वह हमारे इस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a के बाहर नहीं जा सकता, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो इसी के अंदर ही रहेगा और वो इसी पथ पर ही केवल चलेगा, ये इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, वो केवल x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a वाले पथ पर ही चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या कहने वाले हैं, हम सपोज करेंगे अपनी तरफ से कि इस बॉक्स के अंदर, ये अब एक तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ये बॉक्स बन गया है, तो ये जो हमारे पास बॉक्स है इसके अंतर्गत जो हमारा पार्टिकल है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, जो इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इन्फिनिटी होगा, जो इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज इन्फिनिटी, ठीक है। और जो हमारे पास यह बाउंड्री पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी हमारे जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वह इन्फिनिटी है, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है उसका पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 केवल और केवल बॉक्स के अंदर ही है, उसके बाउंड्री पॉइंट पर भी इन्फिनिटी हो जा रहा है और बाउंड्री के बाहर भी इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। और जब किसी भी पार्टिकल का, अभी मैं आगे चलकर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो ये आप सभी को क्लियर हो चुका है ना। तो अब आपको समझ में आ चुका कि वन डायमेंशनल बॉक्स कैसे रिलेट हमने किया, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वह केवल एक डायमेंशन पर मोशन कर रहा है, जबकि हम एक वाल को ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं बीच में कि इसके बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, पार्टिकल नहीं जा सकता। इन वॉल्स को हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट्स के बाहर हमारे पार्टिकल नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई कंपाउंड है जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए जो वॉल है वो यही तो वॉल है, या फिर यही कहें कि ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है, इसके बाहर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी जा नहीं सकता, वो केवल यहीं से यहीं तक ही जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच ही हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है। वो बात अलग है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 2D में है, लेकिन हमने अपने सबसे सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को लिया है, इसलिए हमने वन डायमेंशनल बॉक्स को सपोज किया है, ठीक है। अब चलिए, इसमें कुछ हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम और आगे प्रोसेस करते हैं।
तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन अप करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो आप हमारे मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स हम लगातार प्रोवाइड ही करते जा रहे हैं। देखते हैं, चलिए कुछ हमने लिख दिया है, जो चीज हमने समझाया वही चीज यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिख दिया। हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास यानी कि द्रव्यमान जो है वो यम है, मूव कर रहा है इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वह एक डायमेंशनल बॉक्स में वह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ फाइनाइट रीजन। ये v इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें नहीं लिखना है, ये एक्चुअली वॉल के बाहर का पॉइंट बता रहा है, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, हमने क्या लिख दिया कि जो हमारा एक मास यम का एक पार्टिकल है वह एक वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है जिसके पास एक फाइनाइट रीजन है, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू a तक ही हमारे पास उसका रीजन है। तो इसी को हमने ऐसे समराइज कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया, हैविंग वॉल्स, जिसके पास वॉल भी है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। इट इज अज्यूम दैट, हम यहां सपोज कर ले रहे हैं कि, ठीक है, दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दी पोटेंशियल एनर्जी मैं कहूं या पोटेंशियल कहूं, बात एक ही समझिएगा, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर अंदर जो हमारे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, इज जीरो, कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं दैट इज हमारे पास जो v होगा वह जीरो होगा, वो भी कब होगा, जब हमारे पास जीरो से लेकर x का वैल्यू जो है वह a तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ यह भी हम लिख सकते हैं, एंड हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, यानी कि बॉक्स के बाहर जो हम बात करेंगे तब, आउटसाइड द बॉक्स इज, वह क्या हो जाएगा, इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, वैसे जब इनफाइनाइट हो जाता है किसी भी पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह जब इनफाइनाइट हो जाता है यानी कि वहां पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, अभी इन चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, दैट इज इसका क्या मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कब हम लिख सकते हैं, जो हमारा x का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए एंड जो हमारा x का वैल्यू है वो a से बड़ा हो जाए, यानी कि a से बाहर चला जाए हमारा पार्टिकल, या x से, x इज इक्वल टू जीरो से बाहर चला है हमारा पार्टिकल, तो इस सिचुएशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है ये श्रोडिंगर द्वारा ही दिया गया था, एरविन श्रोडिंगर काफी महान साइंटिस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर या श्रोडिंजर भी कई बार कहा जाता है, ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अब हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक जब टाइम डिपेंडेंट था और दूसरा जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट था, तो यहां पर हम टाइम इंडिपेंडेंट का केस उठाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस हमारे पास होता है एट पाई स्क्वायर यम अपॉन में एच स्क्वायर, एंड होता है e माइनस वी इज इंटू साई इज इक्वल टू हमारे पास होता है जीरो। ये बातें आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साई जो है वह वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो है यह डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एक्स एक्सिस के अलोंग है, यम जो होता है वह हमारे पास मास होता है उस पार्टिकल का, एच जो होता है वह प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ई जो होता है वह एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वी जो होता है यह पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और इनका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं वेव फंक्शन से, तो यह हो जाता है जीरो के बराबर। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, इसे इक्वेशन बना लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। ठीक है, आपके बुकों में यह डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की सहायता लाया जाता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल वैल्यू हमें यहीं पर पहुंचनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने दो केसेस देखे कि हमारे पास जो पार्टिकल है, पहला केस अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू केसेस, ठीक है, देयर आर टू केसेस, हमारे पास कौन कौन से केस हैं, बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो, हमारे पास दो केसेस हैं, पहला केस तो यह है कि व्हेन, जब हमारे पास जो पार्टिकल है, व्हेन पार्टिकल
इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो हमारा बॉक्स है उसके बाहर हमारा पार्टिकल है, यह पहला केस हुआ। तो इस सिचुएशन में हमें क्या बात पता चलेगी, इस सिचुएशन में हमें यह बात पता चल रही है, दैट इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की वो इन्फिनिटी होगी, और जब वो इन्फिनिटी होगी इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम इक्वेशन नंबर वन का उपयोग करते हैं जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कह रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है 8 पाई स्क्वायर m एंड अपॉन में हमारे पास हो जा रहा है h स्क्वायर एंड e माइनस v का वैल्यू हमने सपोज किया है इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ गया इन्फिनिटी और ये हमारे पास है साई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं तो ध्यान से सुनिएगा। देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है उस पार्टिकल के लिए आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो अब जब हम इन्फिनिटी वैल्यू रख दिए हैं और इन्फिनिटी वैल्यू रखने के बाद अगर इस पूरे का वैल्यू हमारे पास जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ओनली पॉसिबल या केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, तब पॉसिबल हो सकता है जो हमारे साई का वैल्यू यानी कि वेव फंक्शन जो हो वह जीरो हो। और जब किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन जीरो होता है यानी कि वहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है उसी की सहायता से ही हम उसके किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वह एक खजाने की तरह होता है, उस पर किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करिए उस पार्टिकल के बारे में वह जानकारी दे देगा। अगर एनर्जी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो एनर्जी के बारे में जानकारी देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देगा, आप जिस भी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वैसा ही आपको जानकारी मिलेगा, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जब किसी भी वेव फंक्शन का, किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन का वैल्यू हो गया जीरो, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ना लिखते हुए नहीं तो आप लोग कोलैप कर देंगे, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, या हमारे बॉक्स के बाहर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ओके, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसे रिस्क करता हूं फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो इतने पॉइंट्स को तो आप लोग समझ गए होंगे, तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने पहले केस को डिस्कस कर लिया, तो अब हम बात करते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस हमारे पास क्या कहता है कि व्हेन पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए, इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है वह क्या है, इनसाइड द बॉक्स है, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, ओके, यानी कि ऑफ हटा देते हैं, यहां से भी ऑफ हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, जीरो है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सपोज किया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फ्रॉम फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कहेगा, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहेगा, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर एंड e माइनस जीरो, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इस समय जीरो हो चुका है, तो e माइनस जीरो इंटू साई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब हम e में से अगर जीरो का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा e ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, o और हमें मिल जाएगा डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई अपॉन में हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर एंड साई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया जीरो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं लेट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इतने का वैल्यू, हम कुछ भी एक अलग चीज को सपोज कर लेते हैं, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन में हमारे पास मिल जा रहा है एच स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इतने पूरे का वैल्यू हमने सपोज कर लिया कि अल्फा स्क्वायर है। अब काफी बच्चों के मन में यह सवाल उठेगा कि सर आप अल्फा स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, अल्फा भी लिया जा सकता था। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम अपने सोल्यूशन को आसान बनाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं,
अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, के ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या मिला, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस इक्वेशन को अगर यहां पर मैं एक इक्वेशन सपोज कर लेता हूं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड हमारा जो सेकंड इक्वेशन होगा उसके साथ ऐसे हम लिख देंगे डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड साई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये जो हमारे पास लिखा गया है एक्चुअली दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, इसे हम ये नाम से जानते हैं। फिलहाल इतनी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे एक इक्वेशन नंबर थर्ड बना लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने यहां तक तो अपना स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, तो अब चलिए इसके अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यही हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड लिखा गया था, तो यहां पर एक लाइन पहले आप लोग लिख लीजिएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल, ठीक है, फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स के अंतर्गत जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो इतना पाया जाता है किसी भी पार्टिकल के लिए। अब देखो बच्चों लोग, अगर आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो आप लोग इस इक्वेशन को देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो डरिए मत, मैं बोलने वाला हूं कुछ चीजों को। देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया है, ठीक है, अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा गया है ये एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, देखो डेल के ऊपर 2 लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहां पर जो मैं बोल रहा हूं बस इतनी चीजों को समझ जाइए, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाता है तो मैथमेटिक्स में बताया गया है कि उसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, जब उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें 2 कांस्टेंट पाए जाएंगे। जितने नंबर ऑफ जितना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतना ही नंबर ऑफ कांस्टेंट उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी तरफ हम बढ़ेंगे, यहां पर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन को यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, यह सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फॉर द पार्टिकल, ऐसे भी कह सकते हैं फॉर द पार्टिकल, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इतनी बहुत सारे सेंटेंस हमने लिख दिया। अब जब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं तो एक्चुअली जो सोल्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को इतनी चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है, या फिर आपको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। अब जब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो एक्चुअली सोल्यूशन हमें मिलता है साई, क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है ये साई के ही फंक्शन से बना है, तो यानी कि वेव फंक्शन इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए साइन अल्फा एक्स प्लस हमारे पास मिलेगा बी कॉस अल्फा एक्स। ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास वेव फंक्शन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो जिन लोगों ने इसे बनाया है वो लोग खुद नहीं समझ पाए, तो हम लोग भला ज्यादा कोशिश करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा नॉर्मल लेवल पर ही चीजों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अब हम बात करते हैं, यहां पर कुछ चीजों को मेंशन कर दिया जाता है कि वेयर हमारे पास जो ए है एंड बी है, ठीक है, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अब ये आर्बिट्रेरी वर्ड जब आ जाता है तो काफी बच्चे डर जाते हैं कि ये आर्बिट्रेरी क्या है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जो हमारे कोई भी कांस्टेंट हम सपोज कर लें वही हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, मनचाहा कांस्टेंट,
ओके तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं ना, यहां से हम अपने साई का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सभी को बताई जाएंगी। और वैसे तो मैंने वीडियो शूट कर लिया है, लेकिन अभी मैं इसे अगर समराइज करते हुए एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो हम चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, और अगला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वह पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सभी के पास अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।